मैंने कहा ना, तू अंगद से नहीं मिल सकती। और क्या ये बात तुझसे अंगद ने कही है? नहीं ना, तुम लोग चाहे मुझ पर जितने मर्जी इल्जाम लगा लो, लेकिन अंगद मुझे कसूरवार नहीं मानता है। साहिबा जिद मत कर, तू समझती क्यों नहीं है, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दे सकती। तुझे जिसकी बात माननी है ना, तू मान ले, जिसे खुश करना है कर ले, लेकिन तू मुझे अंगद से मिलने से नहीं रोक सकती। हद है साहिबा, अंगद को इतनी चोट आई है, इतना खून बह गया है उसका, वो वीक फील कर रहा है, और तू? मतलब अंगद को होश आ गया? हाँ, अंगद को होश आ गया है, इसीलिए तू प्लीज जाए यहाँ से। साहिबा, मुझे फोर्स करने पर मजबूर क्यों कर रही है? क्यों मेरे ससुराल में मेरा नाम खराब करना चाहती है? ठीक है, तू मुझे बस एक बार अंगद को दूर से देख ले, इतना तो तू कर सकती है ना सीरती, प्लीज। नहीं साहिबा, 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 जिससे मिलने से तू मुझे रोक रही है, वही मुझे आवाज लगा रहा है, सुनाई दे रहा है ना? जावे जद यार दिला लग जावे, रब आप इश्क गावे, रब आप इश्क मिटावे, रब आप इश्क गावे, रब आप इश्क मिटावे। तुम डिसाइड कर लो, हंसना है या रोना है। सोचकर तो आई थी कि रोऊंगी, पर तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आ गई। हटून जैसे दिखते हो ना तुम, इसीलिए। हे यू, लड़कियां मरती है इस चेहरे पे। ओ हेलो, इसे सुन के हैरानी नहीं हो रही है मुझे, ऐसी शक्ल देखकर तो किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। पिला भी दो। तू ही तो है किस्मत मेरी सोनिया, दिल दा है वराना खाली तेरे बिना, अभी तू ते खुश मैं काफी रहनिया, माहिया बिन तेरे ना गुजारा, हीरिया तू भी मजबूत। क्या हुआ? कुछ याद आ गया। याद है तुमने एक बार कहा था कि मेरे हाथों से पानी पीने से बेहतर होगा कि तुम प्यासी मर जाओ। क्या तुम मुझे पुरानी बातें याद दिला कर गिल्टी फील कराओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे सुन, आई एम सॉरी, मेरा वो इरादा नहीं था। तो मुझे कहना चाहिए, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी इस हालत की कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ही हूं। नहीं साहबा, इस अपने आप को दोष मत दो, ये जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। दरअसल ठंड नहीं लग रही है? ठंड नहीं लग रही? इतनी कमजोरी में तो और ठंड लगती है ना। एसी नहीं होता है तो इतने मुंह बनाते हो, अब ठंड लग रही है तो बोल सकते थे ना कुछ। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। साहिबा, मैं ठीक हूँ, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। कहाँ था तुम्हारा ध्यान?
उसी बात पे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा था। साहिबा एक्चुअली मैं ना ठंडा हो गया ये कमरा। तुम्हें सच बताने से डर लग रहा है, पता नहीं सब जानने के बाद तुम मुझे इन्हीं नजरों से देखोगी, मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगी, या फिर क्या मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए? सच बता दो। क्या बता दूं? यही कि अब तो ठंड नहीं लग रही है ना, अब तो कमरे का टेम्परेचर ठीक है। हाँ परफेक्ट है। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या? नहीं सब, प्लीज मेरी फिक्र करना बंद करो और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो एक बार सुन लो प्लीज, ये बात बहुत जरूरी है। तेरी मेरी डोरियां सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।